नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं एंकर परेश फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ नागपुर इन्फो में। और आज जैसे कि हमारे साथ हमेशा सेलिब्रिटीज रहते हैं, तो आज हमारे यहाँ मेरे साथ, तो पहले मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जन्नत में जो आपने काम किया है ना, मैं बस सपने ही देख सकता हूँ। मैंने हाल ही ज्यादा नहीं देखोगे भाई क्या मैं वैसे इमरान सर से मिला हूँ, मैंने उनसे बात की, तो उस समय भी मैंने उनसे ये टॉपिक निकाला था। आप मेरा देख सकते हो इंटरव्यू नागपुर इन्फो पे, तो मैं आज आपको डायरेक्टली सामने देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है नागपुर शहर में। और इतना अच्छा हमारे त्यौहार चालू है, अभी आज दशहरा भी है, ऊपर से विजयादशमी और क्या बोलते हैं हमारा धम्म चक्र परिवर्तन दिन भी है। कैसा लग रहा है आपको आज नागपुर में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले भी एक बार नागपुर आ चुकी हूँ, इट्स ऑलवेज नाइस। मैं पहले भी यही कह रही थी कि देयर इज अ वेरी वार्म वाइब टू दिस प्लेस। मुझे बहुत ही, जब भी मैं आती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है और एक सुकून है नागपुर में। सो या आई एम हैविंग अ गुड टाइम। बात तो देखा नागपुर वालों, सिर्फ अपने को ही खुशी नहीं होती, लोग आते हैं हमें उन्हें भी खुशी होती है। और सबसे मेन बात तो आज इनसे मिली है, इन्होंने शीश रत्नम और शेपअप जिम इन्होंने लाई और आज इन्होंने इन्हें बुलाया भी है। तो सर क्या दिमाग में क्या चल रहा था ये सब? दिमाग में तो यही चल रहा था कि कुछ अच्छा, मैं नागपुर ईस्ट में हमारे पास कुछ नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ की एक पब्लिक को कुछ अच्छा मिले वेंचर, कि कहीं अच्छे जगह जाके वो बैठे और एक्सरसाइज भी करे, वही इच्छा थी। और जन्नत देखने के बाद तो जन्नत को बुलाना ही था, इसलिए बुलाया है। एक बात तो है, नागपुर वाले बड़े जिद्दी होते हैं, एक बार जो सोच लिया ना वो करके दिखाते हैं। और आज बहुत अच्छे लगते हैं, दैट्स व्हाई आई लाइक नागपुर। मैम आज आप आए हैं, मुझे तो मैं सच में दिल से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। आप यहाँ नागपुर में आए और आज ग्रैंड ओपनिंग में आए हैं आप श्री शिवम और शेपअप जिम की, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस चीज का हिस्सा बनी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यू नो ऊपर रेस्टोरेंट है, आपको जितना दिल खोल कर खाना है आप खाइए, और उसके बाद नीचे यू नो देयर इज अ जिम, तो जितना भी आपने खाया नीचे आकर आप बर्न कर लीजिए। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड इट्स परफेक्ट फॉर समवन लाइक मी, क्योंकि मुझे खाना भी बहुत पसंद है और उसके बाद मुझे जिम में वर्कआउट करना भी बहुत पसंद है। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। सुनील जी वैसे आपके बहुत फैन है हमारे नागपुर शहर में नहीं, पूरी दुनिया में आपके बहुत से फैन हैं। आपको मूवीज़ में उन्होंने देखा है और इतना अच्छा किरदार आपने निभाया है जन्नत में, तो लोग आगे भी आपको देखना चाहेंगे, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी अभी मैं एक फिल्म कर रही हूँ, उसका नाम है जैक इन दिल। फिल्म में आमिर साद हैं और अरबाज़ खान हैं, सो आप लोग मुझे जल्दी देखेंगे। या देखा फिर से हमें कुछ अच्छा और कुछ नया देखने मिलने वाला है, और मैम उसमें काम कर रहे हैं तो भैया ऑब्वियसली बहुत फैंटास्टिक होने वाला है। तो ऐसे ही कई सेलिब्रिटीज से मैं और मिलाता रहूंगा आपको इसी चैनल पर नागपुर इन्फो में। कैमरा पर्सन सरोज दुबे के साथ एंकर परेश नागपुर।